जितने बच्चे नियमित निकलेंगे उन बच्चों का टाइम से ट्रीटमेंट करके और उनको कवर किया जाए। चारों टीम लगभग 100 स्टूडेंट्स, एक टीम 100 स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट करेंगे और बताएंगे। पौष्टिक आहार है जिसमें खासतौर पर दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, लस्सी है, दूध है, वो ये बच्चे नहीं लेते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है जिसमें लैब टेक्नीशियन है, वो जो हमारे जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका हम हीमोग्लोबिन प्रोफाइल ले रहे हैं। जो कुछ 1-2% बच्चे हैं जो कि सीवियर कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली सैटरडे को एक कैंप लगाएंगे सिविल हॉस्पिटल में। नमस्कार, मैं हूं पिंकी चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं संसार क्रांति। हम इस वक्त इंद्री में पहुंचे हुए हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। इसमें आज जो प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया है वो कार्यक्रम है बच्चों को अनीमिया से मुक्त कार्यक्रम कराया गया है। बीमारी है जो अनीमिया, एक बीमारी है, उससे मुक्त कराने का एक कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में SDM, DC साहब और डॉक्टरों की 4 टीम पहुंची हुई है। आइए उन सबसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान उनसे पूछते हैं कि किन ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपाय क्या है। नमस्कार मैम। मैम, आप जैसे ही यहाँ पे आए हुए हैं एनीमिया बीमारी जो है इसके बारे में आप बच्चों को चेकअप के लिए आए हैं और इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे भी नमस्कार आपको कि आज हम ये एनीमिया के रिगार्डिंग स्कूली बच्चों में चेकअप कराना है ताकि इनमें हमें पता चल सके कि कितने बच्चे अनीमिक हैं। अनीमिक मतलब कि कितने बच्चों में खून की कमी मिलती है, तो वो हम पहले यहाँ पे चेक होगा। हमारी ANM चेक कर रही है, सारा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, इसमें हम सारा इनका डाटा नोट करेंगे किन बच्चों में अनीमिया आया है, उसके बाद इनको सबको मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, मेडिसिन से फिर हम इनमें नेक्स्ट मंथ फिर नोट करेंगे कि कितना इनमें सुधार हुआ। जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उनको मेडिसिन नहीं देनी है, जो सीवियर हैं उनको हमने रेफ़र करना है CHC में। ठीक है, जो हमने जिनको मेडिसिन दी है उनका नेक्स्ट मंथ फिर से दोबारा से चेकअप होंगे, उनका कितना उसमें सुधार आया, अगर सुधार नहीं होता फिर रेफ़र होगा। जितने बच्चे नियमित निकलेंगे उन बच्चों का टाइम से ट्रीटमेंट करके और उनको कवर किया जाए। जो हमारा अनीमिक अनीमिया मुक्त यानी कि भारत करने के लिए जो बच्चे नियमित है उनको दोबारा उसी लेवल पर लाया जाए। जैसे आप यहाँ पर आए हुए थे अनीमिया की एक बीमारी है जो उसको भारत को मुक्त कराने के लिए स्कूल में आए थे, इसमें मतलब आप लोगों ने कितने बच्चों का मतलब यहाँ पे चेकअप किया और इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं अश्वनी हूँ, अपने सिविल हॉस्पिटल से इंद्री से लैब टेक्नीशियन हूँ। तो हमारी 4 टीमें आ रही आज, यहाँ 100 बच्चों का आज टेस्ट करेंगे, 400 बच्चों का टेस्ट हो जाएगा आज एनीमिया के लिए चेक कर रहे। बाकी एनीमिया की फिर हमने बच्चों की क्लासिफिकेशन बनाए रखी, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो माइल्ड मॉडरेट है उनको साथ के साथ दवाई शुरू कर देंगे आज ही। जो सीवियर एनीमिया वाले हैं, जो 7 ग्राम से कम HB वाले हैं, उनको हम हॉस्पिटल रेफर कर रहे, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट करेंगे या फिर GH में करनाल भेजेंगे या उनको जो भी जरूरत है उनको पूरा करेंगे। बाकी यहाँ स्कूल में माइल्ड और मॉडरेट जिनका एनीमिया है उनको यहाँ हम ट्रीटमेंट यहीं शुरू करवा देंगे आज ही। 4 टीम हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ आई हुई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों का पूरा डाटा पहले कलेक्ट हमने कर उन्हें दे दिया था और फिर अब वो आज का टारगेट है कि चारों टीम लगभग 100 स्टूडेंट्स, एक टीम 100 स्टूडेंट्स को उनका टेस्ट करेंगे और बताएंगे और उसमें से जिन बच्चों का जो HB कम है जिनका या ठीक है वो बता देंगे। तो फिर उसके बाद उनको बच्चों को टैबलेट्स दी जाएंगी और वो टैबलेट्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि एक टैबलेट हम स्कूल में ही टीचर दे देंगे ताकि वो इंश्योर हो जाए कि बच्चे ने ले ली है और उसके बाद एक टैबलेट हम उन्हें घर के लिए देंगे। 2 दिन का ये प्रोग्राम है क्योंकि हमारे बच्चे 700 से अबव हैं, 735 हैं, तो उसमें 400 बच्चे आज, अगर क्योंकि आज फर्स्ट डे था हो सकता है थोड़े कम रहें, आज का टारगेट है और इसी तरह से कल भी यहाँ पे रहेगा, कल भी टीम आएंगी और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सफल रहने वाला है। इससे बच्चों को, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे एनीमिक होते हैं जी, तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जिससे बच्चों को हेल्प रहेगी और उनकी हेल्थ में सुधार होगा। पहले भी इस तरह के कोई जागरूकता कार्यक्रम या स्कूल में बच्चों को अवेयरनेस के लिए? सर, पहले कोविड से पहले विप्स की टैबलेट्स आती थी जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलती थी और हर क्लास टीचर उन्हें बच्चों के जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उतनी लेके वो बच्चों को देते थे हर मंथ।
तो ये उससे भी शायद बेटर है कि यहीं पे आके टेस्ट किए गए। ऐसे टेस्ट नहीं होते थे पहले, बच्चों टेस्ट नहीं होते थे, वो फिजिकल ही सिर्फ उनको देखते थे, अब टेस्ट है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या है स्टूडेंट में कमी है? हाँ जी, बहुत बच्चे हमारे एनीमिक होते हैं। हमें मतलब जब प्रेयर होती है तो क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है तो हम प्रेयर में बहुत जल्दी सिर्फ राष्ट्रगान ही करवाते हैं गर्मी में, और उसमें भी एक आध बच्चा गिर जाता है। तो हमें भी ये रहता है कि बच्चे एनीमिक तो हैं हमारे, क्योंकि डाइट ठीक नहीं है बच्चों का। तो बच्चों को जागरूक करने के लिए अपनी डाइट प्रॉपर सही रखें, उसके लिए स्कूल के अंदर देखिए जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिड डे मील बनता है, वो हमारी बहुत कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया। आज भी जैसे सर ने भी टेस्ट किया, डीसी सर ने भी, एसटीएम सर ने भी, और आज खीर बनी थी और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख के वो बहुत खुश हुए। उन्होंने टेस्ट भी किया कि बहुत अच्छा और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ। हम यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे हमारे पास जिन घर से आते हैं वो पूरी उनकी नहीं कर पाते डाइट, तो इस वजह से बच्चे एनीमिक रहते हैं। तो उनको बताया जाता है, और अब कुछ और भी जिस अगर कमी होगी उनमें बताया जाएगा। और जिन बच्चों का ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा हैं, उनको वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। वहाँ एक दिन का कैंप होगा, वहाँ जाके उनकी प्रॉपर सारा उनकी टेस्टिंग होगी। फास्ट फूड का भी कारण है? एक फास्ट फूड का तो बिल्कुल कारण है जी, ये तो बिल्कुल आजकल होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि जितना नेचर के हम पुराने जो हमारी दादी नानी जो घरों में बनता था वो चीज़ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य सबसे पहला बहुत ज़रूरी अंग है, और आप लोग यहाँ इंद्री से ही पत्रकार बंधु जानते हैं जो एरिया है, यहाँ पे लोअर क्लास के मध्यम तबके के ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स, मैं आज ये इतने कहूँगा कि आर्थिक रूप से शायद उतने कमज़ोर नहीं रहे हैं जितने की जागरूकता की कमी है। हम अक्सर यहाँ देखते हैं, अभी मैडम ने भी जैसा कहा कि सुबह बच्चे बिना खाए कुछ भी घर से आ जाते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे इस करनाल ज़िले में या इंद्री में कोई इतना कोई पेरेंट्स को ऐसा होगा, कोई उड़ीसा का ये नहीं है कि यहाँ बच्चों के अगर खाना ना हो, सिर्फ पेरेंट्स की और बच्चों की एक जागरूकता की कमी है। और दूसरा भी इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है, बच्चों की एक एज ऐसी होती है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लड़कियों का स्कूल है, वो सुबह बिना खाए पिए घर से आ जाते हैं। और क्या होता है कि पैसे ले आते हैं 10 रुपये 20 रुपये, उनका आपको पता है फास्ट फूड में ये जो पैकिंग में आता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो हानिकारक भी है, वो एक बड़ी वजह रहती है। मैडम प्रिंसिपल ने जिक्र किया, हमारे टाइम में भी पुराने टाइम में भी होता था, उस टाइम आज जैसे आर्थिक हालात नहीं थे पर फिर भी खाने के ऊपर आहार के ऊपर ज़्यादा जोर रहता था। नहीं भी कुछ खाना बना के जाना आना या थोड़ी देर में रोटी आके खानी तो कहते थे कम से कम एक गिलास लस्सी का तो पी जाओ, एक बेला लस्सी का पी लिया। अब लस्सी एक ऐसा फूड न्यूट्रिशन है कि आप 2-4 घंटे बंदा खाना ना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के बच्चों में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो ये पौष्टिक आहार है जिसमें खासतौर पर दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, लस्सी है, दूध है, वो ये बच्चे नहीं लेते हैं। और पेरेंट्स भी कह देते हैं क्या करें, आजकल एक ट्रेंड सा ऐसा हो गया है कि बच्चों को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी, चाहे उनका भला हो, कहते हैं मानता नहीं हमारा तो खाता नहीं, पैसे देना आसान समझते हैं 10-20 रुपए, और वो 10-20 रुपए का जो है गलत असर बहुत पड़ रहा है। आज आप देखोगे ये रिपोर्ट आएगी, आज जैसा कि SDM साहब ने सुबह पहली विजिट में ये बताया, वो कह रहे थे कि कई जगह 60% से ज़्यादा तो ये रिपोर्ट आने की संभावना रहती है कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसके खून की कमी के एनीमिया के शिकार रहते हैं, और ये गर्ल्स और भी ज़्यादा कई जगह 80% भी आ सकता है। तो मैं जहाँ तक उसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ प्राध्यापक समाज शास्त्र होने की वजह से, कि आर्थिक कारण इसके पीछे इतने नहीं हैं जितने कि सामाजिक हैं। सामाजिक के तौर पर मैं ये कहूँगा कि जागरूकता की बहुत कमी है पेरेंट्स के अंदर, उनको ये नहीं पता है। मिड डे मील मिलता है, सर ने चेक भी किया, बहुत बढ़िया मिड डे मील है हमारे स्कूल में, नहीं सभी जगह बढ़िया बनता है, पर एक चीज़ तो मानो ना, सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा, 8 बजे वो बनेगा तो 12 बजे मिलेगा ना बच्चों को। अभी आप आए जिस टाइम सर आए उस टाइम हम मिड डे मील हमारा चल रहा था, जो बच्चा सुबह कुछ नहीं खा के आया 10-12 साल का बच्चा है तो क्या 12 बजे तक कुछ भूखा रहेगा? तो वही बात है, प्रेयर में उनको चक्कर आते हैं, क्लास में उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मी का मौसम है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी और आपके चैनलों के माध्यम से भी जनता से ये पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि जो बच्चों को, जो एक हमारे पुराने टाइम में बुजुर्ग कहते थे, जो पढ़ने वाला होता था उसको भी ज़्यादा डाइट दी जाती थी, कहते ये बच्चा पढ़ता है इसका दिमाग खर्च होता है, इसको घी दो, इसको दूध दो, इसको एक्स्ट्रा चीज़ें दो, बादाम दो। तो आज
सिर्फ ये कि चलो कोई बात नहीं 10 रुपए ले जाना खा लें, इस ट्रेंड से हमें समाज को जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अनीमिया मुक्त भारत के जो अभियान है हमारा, उसके मद्देनज़र आज इंद्री सब डिवीज़न से ये करनाल ज़िले में पहल करी गई है, जिसके मद्देनज़र हमारी जो टीम्स है, जिसमें हमारे जो स्कूल का जो टीचर है वो, हमारी जो डॉक्टर्स की जो टीम है जिसमें लैब टेक्नीशियन है वो, जो हमारे जो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका हम हीमोग्लोबिन प्रोफाइल ले रहे हैं कि ताकि उनकी खून में जो हम कहते हैं भी खून की कमी हो गई, वो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसका एक बार आकलन करेंगे सभी बच्चों का। और ये जो कार्रवाई है सभी सरकारी स्कूलों में होगी, इसके आकलन करने के बाद में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने बच्चे हमारे माइल्ड से मॉडरेट वाली कैटेगरी में हैं और कितने बच्चे सीवियर कैटेगरी में हैं। और माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो हम जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनज़र उन टैबलेट का वितरण मौके पर ही करा जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ 1-2% बच्चे हैं जो कि सीवियर कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए हम स्पेशली सैटरडे को एक कैंप लगाएंगे सिविल हॉस्पिटल में, ताकि उनको कुछ एक एक्सपर्ट की देखरेख की आवश्यकता है, तो उसके मद्देनज़र हम वहाँ पे इनकी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि ये जो अनीमिया जो बीमारी है इसका हम एक बार इस बीमारी से निजात पाएँ। तो कुपोषण की भी बड़ी शिकायत आती है सर, इसके लिए भारत सरकार ने वैसे मिड डे मील का कार्यक्रम चला रखा है। आज मैंने यहाँ पे बच्चों के साथ में वो जो भोजन है वो खुद चखा भी, साथ में एसडीएम साहब ने भी खाया, तो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। और कुपोषण के को देखते हुए हमारी तरफ से एक और स्कीम आने वाले टाइम में शुरू करी जाएगी, जो कि हम न्यूट्रिशन गार्डन्स बोलते हैं जिनको, जो हमारा जो ग्राउंड है स्कूली क्षेत्र में जिसका अच्छे से प्रयोग नहीं हो रहा होता, तो वहीं पर हम हरी सब्जियां उगाएंगे और वही सब्जियां हमारा जो मिड डे मील जो कार्यक्रम है उसमें वो परोसी जाएंगी। तो ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम हैं? बिल्कुल, ये आज टोटल जो कार्रवाई चल रही है वो 10 से अधिक स्कूलों में चल रही है, और ये पैरेलली अभी मैंने बोला स्कूलों में, और हम सारे जो सफेदों की इंद्री के जितने स्कूल्स हैं सारे सरकारी स्कूलों को कवर करेंगे सब, और साथ के साथ में सब डिवीजन इंद्री के बाद में पूरे जिले में ये कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। तो ये आज शुरुआत हुई है इसकी? ये बिल्कुल आज ये फर्स्ट डे था कैंप का, इसके बाद में हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा भी आने लग जाएंगे, और उसके बाद में जो हमको इंटरवेंशन करनी है सरकारी साइड से करनी है या फिर हमको कोई टेक्निकल साइड से करनी है, वो इंटरवेंशन करके इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेगी। और ये जो कैंप जो आज लगाया गया 3 महीने के उपरांत दोबारा से कैंप ये लगाया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि भाई जो हमने जो इंटरवेंशन करी, चाहे उन बच्चों को दवाई दी, चाहे उनकी जो डाइटरी हैबिट्स थी उसमें हमने उसको चेंज करा, उसके बाद में उसके परिणाम क्या है, उस परिणाम को फिर मतलब नोट करा जाएगा, और उसके बाद में भी कुछ हमारी तरफ से कुछ एक्शन बनता होगा तो एक्शन लिया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कुछ जागरूकता अभियान ताकि बच्चों में इस प्रकार की कमियां ना आए, इसमें बेसिकली जो सारा रोल रहता है वो डाइट का ही रहता है। इसमें आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से हम पेरेंट्स से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई हेल्दी डाइट का प्रमोशन करें, और जो जंक फूड को हम थोड़ा साइड लाइन करें अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस में। थैंक यू। हलवाणा का मामला है, हाई टेंशन तारा जो है वो मैं अभी आपने बताया वो संज्ञान में लेके मैं एसडीएम साहब को बोलूंगा उसको रिजॉल्व कराएंगे। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर स्कूल में पहुँचे हुए थे और हमने आप सभी को बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आई हुई थी, 4 टीमें आई हुई थी, एसडीएम साहब भी आए हुए थे, डीसी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने बच्चों को काफ़ी कुछ जानकारी दी है एनीमिया के बारे में और उसके बचाव के उपाय भी बताए हैं। तो यहीं पर मैं पिंकी चौधरी आपसे विदा लेती हूँ, बने रहिएगा संसार क्रांति के साथ। राम राम।